अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एम मजीद फानी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम मजीद फानी। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पायोनीर का अकाउंट किस तरह बनता है। अकाउंट बनाने के बाद वो एटीएम कार्ड आपको भेजते हैं, उसका तरीका क्या होता है, तरीका कार किस तरह आप एक्टिव कर सकते हैं, ये मैं सब आपको बताने जा रहा हूं आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आपने एक काम करना है, वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आइंदा, मैंने कार्ड अप्लाई किया हुआ है, तकरीबन 3-4 दिन में पहुंच जाएगा पायनियर का एक कार्ड, तो मैं अगली वीडियो में कार्ड लिंक करना सिखाऊंगा पेपाल के साथ। पेपाल के साथ पायनियर को लिंक करके हम बना सकते हैं पेपाल का लाइफ टाइम अकाउंट वेरीफाइड पाकिस्तान में, जो तकरीबन 90% इस्तेमाल होता है ऑनलाइन शॉपिंग और कैश विड्रॉ के लिए। तो ये हर किसी के लिए जरूरी है, हर कोई इसमें अकाउंट बना ले, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। आपको फ्री में कार्ड मिल जाएगा, आप एक्टिव कर लीजिए और हर जगह जहां चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, एटीएम से रकम निकालने के लिए। तो मैं आपको कहता हूं कि आप यहां पर इसका अकाउंट बना लीजिए, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो की जानिब चलते हैं दोस्तों। दूसरी बात जो लाजमी है, मैं डिस्क्रिप्शन में पायोनियर का लिंक दूंगा, वहां से आपने साइन अप करना है, वहां से आपको बोनस भी मिलेगा और अकाउंट भी वहीं से आप लॉगिन साइन अप और लॉगिन कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, मेरा कार्ड 2-3 दिन में पहुंच जाएगा, तो आपको मैं सिखाऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने करना है पायनियर के वेबसाइट पे आपने साइन अप पे क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह का पॉपअप आ जाएगा, प्रीपेड मास्टर कार्ड को टिक करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। तो इस तरह की स्क्रीन शो होगी। तो दोस्तों साइन अप तो हर किसी को आता है कि किस तरह होता है, जो फॉर्म दिया है वहां फिल करना है उसको। फर्स्ट नेम एग्जांपल मैं डालता हूं, लास्ट नेम डालना है आपने, जो भी डालना हो, ईमेल एड्रेस, इसी को कॉपी करके री एंटर पेस्ट करना है, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। मैं कोई सा भी सिलेक्ट करता हूं, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है यहां पर। ईयर ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, इसके बाद नेक्स्ट करना है। यहां पर आपने पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, आपने इसको यही रहने, यहां ऐसे ही छोड़ना है। स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस जहां से आप
लॉगिन करते हैं। अपने सिटी का नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपने वो एड्रेस डालना है जहाँ आपको पायनियर का कार्ड वो इशू करेंगे, आपको मिलेगा, जहाँ ये मौसूल होगा। बिल्कुल सही एड्रेस यहाँ पे डालना है ताकि वहाँ से वो कार्ड बिल्कुल सही एड्रेस पे भेज देते हैं। तो स्ट्रीट एड्रेस या अपने घर का एड्रेस आपने देना है, सिटी सिलेक्ट करनी है, पोस्टल कोड डालना है यहाँ पे। अगर आपको पता ना हो पोस्टल कोड का तो गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, अपने सिटी का नाम पोस्टल कोड लिखकर आप सर्च कर सकते हैं, वो आ जाएगा। वो आपने यहाँ डालना है जो टू कंट्री कोड है। यहाँ पे अपना नंबर, मोबाइल नंबर डालना है विदाउट जीरो, ये एक बात आप याद रखें। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इंटर पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, योर मदर बॉर्न इन, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो कुछ इस किस्म की विंडो आपके सामने आ जाएगी, नेशनल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। आपने नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है, आईडी, या अपनी एनआईसी नंबर यहाँ पे डालना है, पाकिस्तान आईडी सेलेक्ट है। ये वो एड्रेस है जहाँ पे कंपनी आपको कार्ड भेजेगी, उसको चेक करें, अगर कहीं कोई मिसिंग है तो उसको सही कीजिए। इनको आई एग्री टू द, इनको चेक कीजिए, इन तीनों को टिक करना है और नेक्स्ट करना है। मेरे ख्याल में कुछ मिसिंग हो गई है, आईडी नंबर मैंने नहीं डाला है। अब चेक करते हैं क्या आता है, वो टिक कर लें। ऑर्डर पे क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक ईमेल आ जाएगी पायनियर की जानिब से, कुछ इस किस्म की ईमेल होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। पायनियर, योर पायनियर अकाउंट एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड, ये ईमेल आपके पास आ जाएगी। ये आपको कहेंगे हमने आपका कार्ड आपको भिजवा दिया है, कस्टमर आईडी वो आपको बता देंगे, यहाँ से आपने लॉगिन करना है। आपका कार्ड जैसे ही वो इश्यू करेंगे दूसरी नेक्स्ट ईमेल आपको आ जाएगी कि हमने आपका कार्ड इश्यू कर दिया है, बस आप इंतज़ार कीजिए। 20 से एक महीने के अंदर आपको कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा अकाउंट है, आपका जब अकाउंट बन जाएगा तो
तो इस तरह लॉगिन कीजिए, ईमेल आईडी, पासवर्ड, लॉगिन, इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी तो कार्ड आया नहीं है मेरे पास, अभी 2-3 दिन में पहुंच जाएगा तो मैं एक्टिव करूंगा कार्ड को। एक्टिव यहां से करना है, 2 स्टेप हम ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके हैं, तीसरा स्टेप कार्ड आने के बाद हमें करना है कार्ड एक्टिवेशन। यहां पे क्लिक करके कार्ड का नंबर यहां डालना है, अपनी मर्जी का 4 डिजिट का पिन कोड यहां पर सेट करना है, कंफर्म पिन करना है, यहां पे चेक करके एक्टिव पे क्लिक करना है, तो आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों मेरा कार्ड तो आया नहीं है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कार्ड एक्टिव करके बता दूंगा किस तरह एक्टिव होना है होता है और क्या वाकई $25 वो बोनस देते हैं या नहीं देते हैं। उसके साथ साथ मैं पेपाल के साथ लिंक करके भी दिखाऊंगा और वेरीफाइड अकाउंट पेपाल का ऑल लाइफ टाइम के लिए भी मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी आइंदा वीडियो आप देख सकें, यहाँ से सब्सक्राइब करके, और कमेंट और लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए मुझे, वीडियो मेरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।